हेलो गाइस, मैं हूं जैसर और आज मैं बात करूंगा कैसे GTA 5 गेम को बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने एंड कुछ अलग तरह के लोगों ने किल कर दिया। इवन दो इट्स अ वेरी गुड गेम बट लोगों की नजरों में उसकी वैल्यू कम हो गई है। इन शॉर्ट दे किल्ड GTA 5। अब दे कौन है उसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए एंड एक एक पॉइंट देखना यार, किसी भी चीज को स्किप या मिस नहीं करना एंड उसके बाद ही आप लोग कमेंट करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड भाइयों, एंड होते होते वो वैल्यू हो सकती है वापस आपके लिए गेन हो जाए जो गेम के प्रति हट चुकी थी। लेट्स स्टार्ट विद द GTA ऑनलाइन। देखो गाइस, GTA 5 का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो आज कवर कर रहा है वो है GTA ऑनलाइन एंड उसमें अपडेट्स वगैरह भी आते रहते हैं पीरियोडिकली। एंड भाई, GTA ऑनलाइन ना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है एंड जिसमें पहले हाथ है मॉडर्स एंड हैकर्स का। भाई, जिसने भी GTA ऑनलाइन खेला होगा उन्हें सबको कभी ना कभी लॉबी में कुछ ऐसे हरकतें करने वाले बंदे जरूर मिले होंगे जिसने किसी प्लेयर को व्हीकल से बांट दिया होगा या फिर फव्वारे छोड़ रहे होंगे या फिर कुछ भी उल्टा सीधा आपके गेम प्ले में वो दिख रहा होगा या फिर आपके प्लेयर के साथ वो हो रहा होगा। एंड ये चीज प्लेयर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब कर देती है। एंड भाई, हैकर्स भी कुछ कम नहीं, वो आपको तंग तो नहीं करेंगे इन मॉडर्स की तरह बट वो आपको कोई भी रेसेस वगैरह जीतने नहीं देंगे, एडमिशन को कम्प्लीट नहीं करने देंगे। सीधी बात, अगर मॉडर्स ने अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं खराब किया देन हैकर्स डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस खराब करेंगे। अब भाई, अगर आप लोग हद से ज्यादा लकी हो, लाइक अगर तुम्हारे घर में खजाना वगैरह मिल गया हो, तो भाई आप ऐसी लॉबी पहुंच जाओगे जहां हैकर्स एंड मॉडर्स नहीं मिलेंगे बट वहां फिर आपको मुलाकात होगी चैट स्पैमर से। भाई, टुन 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 करके जो दिमाग खराब करते हैं ये लोग, उसके बाद बस एक ही ऑप्शन मिलता है अल्ट प्लस F4 दबाने का। चलो यार, बाय चांस आप बहुत ज्यादा लकी हो, इससे भी ज्यादा, यानी कि आप एक रिच फैमिली में पैदा हो गए, देन आपको दिक्कत देगी लोडिंग एंड नेटवर्क एरर्स। अब इतनी के बाद बहुत ज्यादा आप लोगों का मन भाग जाता है गेम खेलने से क्योंकि भाई बंदा GTA 5 की स्टोरी कंप्लीट कर चुका है, तभी तो वो GTA ऑनलाइन आया है टू गेट मोर एंजॉयमेंट फ्रॉम द गेम। बट यहाँ सीन कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई होती है एंड भाई ये सभी चीजें स्पेशली मॉडर्स वाली वो PC वर्जन्स में ज्यादा होती है। सो गाइज, आपको अब पता हो गया होगा व्हाई GTA ऑनलाइन बहुत कम लोग खेलते हैं एंड दिस इज द रीजन। एंड भाई, ये वन ऑफ द मेन किलर्स थे टू किल द GTA 5 गेम। ऐसा समझो कि यार GTA 5 को मारने में 30% इनका हाथ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट बट उससे पहले आपको कुछ बेसिक सी चीजें समझानी होगी। देखो गाइस, इस बंदे को सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये बंदा CS:GO के टूर्नामेंट में हैक करता पकड़ा गया था एंड इंडिया की e-sports और गेमिंग की डाउनफॉल शुरू हो गई। सो व्हाट्स दिस गाय डिड वाज अ क्राइम। इसने ट्रेनर या कह लो मॉड या फिर इन इजी वर्ड्स एक चीटिंग सॉफ्टवेयर को यूज किया एंड छेड़खानी करी अपने गेम के ऊपर, जिसके कारण वो इजिली बंदे मारने लगा। आप ये समझो, किसी गेम के फाइल्स को छेड़ना या उसमें अपने सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करना इज अ रॉन्ग थिंग और अगर डेवलपर चाहे देन आप पे वो लॉ सूट भी फाइल कर सकती है एंड दिस थिंग इज टेक्निकली इलीगल एंड आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी लग सकते हैं। एंड भाइयों, ठीक 4 सेकंड के साथ भी यही हुआ, उसे 5 ईयर्स बैन लगी एंड फाइन भी लगे। सो भाइयों, आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। नाउ देखो दूसरे मेन किलर कौन है जिनका 70% योगदान है टू किल द GTA 5। नाउ भाइयों, बढ़ते हैं दूसरे मेन किलर्स पे एंड ये हैं यूट्यूबर्स। देखो भाइयों, यूट्यूबर्स करते हैं क्या, ये लोग गेम में डाल देंगे KTM, स्कॉर्पियो, रोल्स रॉयस एंड ऐसे कई सारे कार्स और ऊट पटांग चीजें ला देंगे लाइक तारक मेहता की सोसाइटी एंड अपनी मनगढ़ंत स्टोरी बनाएंगे एंड लोगों को दिखाएंगे। अब देखो इस चीज का कितना गंदा इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। सबसे पहले उनको पता नहीं होता है मॉड क्या होता है एंड 90% लोग तो मॉड भी नहीं लिखते अपने टाइटल्स में एंड इस चीज के कारण जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लगता है GTA में सही में KTM, स्कॉर्पियो या तारक मेहता का घर है। देखो बड़े लोग तो समझदार होते हैं, उनको पता होता है ये बस स्टोरी है, लेकिन इनके जो कॉन्टेंट होते हैं वो कंज्यूम करते हैं बच्चे और ये इतने भोले होते हैं, इनको लगता है ये मॉड्स वाले चीजें एक्चुअल में GTA 5 गेम में होती है एंड इसका जीता जागता मैंने एग्जाम्पल देखा है मेरे आंखों के सामने। तो भाई, मेरे यहाँ एक बच्चा आया था 11-12 साल का एंड उसने PC देख के कहा भैया मुझे GTA 5 खेलनी है। मैं कहा भाई चलो भाई खेल ले। यहाँ एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास ऑफिशियल GTA 5 गेम है तो उसको मैंने स्टोरी मोड करके स्टार्ट दी। अब बंदा कहने लगा भाई मेरे को KTM की डिलीवरी करानी है, कट्टू गैरेज पहुंचा दो। मैं तभी समझ गया ये बच्चा ग्रसित है एक बीमारी से जिसे कहते हैं नकली GTA एंड ये डिजीज फैलाने में सबसे बड़ा
बड़ा हाथ है टेक्नो गेमर्स का। पहले तो मैंने उसको बोला ऐसा कुछ चीज होता नहीं है गेम में, ये ऑफिशियल गेम है। वो लड़ने लगा मेरे से, फिर मैंने दो थप्पड़ दिए उसको, फिर आर्डिया 2 खिला दी एंड वो घोड़ा चलाने के बाद खुश हो गया। खैर इस स्टोरी से ये पॉइंट निकलता है, ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स एक बीमारी फैला रहे हैं, नकली GTA, जहां इनके बाप दादा ने KTM, रोल्स रॉयस, थार, स्कॉर्पियो या तारक मेहता की सोसाइटी डाल के रख दी है, क्योंकि रॉकस्टार इनके चाचा लगते हैं। एंड देखो भाई, इसमें गलती टोटली ऐसे क्रिएटर्स की है जो मिसलीडिंग कंटेंट बनाते हैं। बच्चे बड़े मासूम होते हैं भाई, तभी उन्हें बच्चे कहते हैं। एंड ऐसे स्कैमर्स जो नकली GTA फैला रहे हैं, इन्हें हम लोग एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, डिसीटफुल। हिंदी में बोलूं देन छल। और भाइयों मैं आपसे पूछता हूं, छल करता कौन है? स्कैमर्स, फ्रॉड लोग? अभी रुको, कमेंट में मत भागना, अभी और भी चीजें हैं। सो टेक्निकली ये लोग मिसलीडिंग कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जिस रॉकस्टार के गेम को खेलते हैं ना, तो उसमें ऐसे कोई भी आलतू फालतू छपड़ी KTM जैसी चीजें नहीं होती। सो टेक्नो गेमर्स, ही इज नॉट अ गेमर, ही इज अ टेक्नो स्कैमर, जो स्टोरी के नाम पे लोगों को बच्चों को मिसलीड करता है। एंड भाई ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है देन आप उससे बस पूछ लेना थार की डिलीवरी फ्रैंकलिन कैसे लेगा, एंड भाई वो पूरा एक एक स्टेप बता देंगे। तो ऐसे इस टेक्नो स्कैमर जैसे कई और झटेड़ी यूट्यूबर स्कैम करते हैं ना। अब आते हैं यहीं से दूसरे पॉइंट पे। याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था फॉरसेकन वाली स्टोरी? तो भाइयों अब मैं कहूंगा ये सभी यूट्यूबर्स जो फेक स्टोरी, मॉडिंग, मिसलीडिंग कंटेंट बनाते हैं, सबके सब क्रिमिनल्स हैं। नहीं मानोगे ना, बट अब ये सभी चीजें सुनो ध्यान से। तो भाइयों ऐसे गधों ने सबसे पहले ओरिजिनल GTA कभी कंप्लीट नहीं करी, क्योंकि जिस GTA को हम जानते हैं उसमें 33 आवर्स ही मेन स्टोरी है। नाउ इनमें से आधे लोग सबसे पहले पायरेसी करके GTA 5 डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें डालेंगे मॉड, फिर एक फेक स्टोरी बनाएंगे बच्चों के लिए, देन उस वीडियो को भी ये लोग किसी पायरेसी सॉफ्टवेयर पे एडिट करेंगे, देन इसे अपलोड करेंगे विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट्स टू जिसने मॉड बनाया। नाउ फिर ये करेंगे वीडियो को मोनेटाइज। अब देखो भाइयों इन्होंने कितने सारे रूल्स ब्रेक करे हैं। सबसे पहले पायरेसी, आधे लोग तो भाई यहीं पे क्रिमिनल बन गए, बचे हुए लोग डालेंगे मॉड, जो इलीगल चीज है, गेम के फाइल को छेड़छाड़ करना, बेसिकली गेम के राइट्स को वायोलेट करता है। फिर बनाएंगे फेक स्टोरी जो बच्चों को करेंगे मिसलीड, ब्रेन वॉश अबाउट द गेम की गेम में ऐसा ही होता है, एंड देन इसे एडिट करेंगे अगेन पायरेसी सॉफ्टवेयर पे। अब इस स्टेज तक बहुत से लोग क्रिमिनल बन चुके हैं, बट स्टिल बहुत बचे हुए हैं अभी भी। अब नेक्स्ट स्टेज आई है क्रेडिट देने की, जो ये यूट्यूबर्स कभी जिंदगी में करेंगे नहीं, एंड इस चीज से रॉयल्टी की वायोलेशन हुई। नाउ अब करेंगे लोग इसे मोनेटाइज। नाउ जैसे ही आपने ये किया, वेलकम टू द क्रिमिनल गैंग ईच वन ऑफ यू, क्योंकि जिन्होंने पायरेसी नहीं किया वो लोग गेम के राइट्स को वायलेट किए एंड उसे कॉमर्शलाइज कर दिए। अब भाई इन सब का हिसाब लगाकर रॉकस्टार ने केस कर दिया, तो भाइयों चैनल के साथ साथ चड्डी भी बिक जाएगी, तब भी केस नहीं जीत पाएंगे ये लोग, एंड इंप्रिजनमेंट अलग से। वो तो रॉकस्टार करता नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आप क्रिमिनल नहीं है, आप लोग स्कैमर से बढ़ के अब क्रिमिनल हो, जिसके लिए मैं एक चीप वर्ड यूज करूंगा, चोर चुट्टा। आप लोग ये चोर चुट्टों से उससे ज्यादा नहीं है। एंड भाई इनके चक्कर में रॉकस्टार मॉडर्स को लॉ सूट फाइल कर देता है फॉर मेकिंग रियल कार्स एंड एडिंग इन द गेम। अब भाई इन गधों को तो पता नहीं होगा रॉकस्टार पे बहुत से कार कंपनीज केस कर देते हैं, बस इसी कारण से उनकी परमिशन के बिना वो लोग उस कार को यूज कर रहे हैं गेम में, जिससे राइट्स ब्रेक हो जाते हैं, रॉकस्टार गुस्सा हो जाता है, तभी ये आढ़े टेढ़े मॉडर्स को लीगली घसीटता है। अब भाई बताओ मेरे को एक रीजन जहां से मैं विलन लगता हूं, विलन तो ये लोग हैं भाई जो गेम की रेपुटेशन बर्बाद कर रहे हैं, क्रिमिनल हैं, बच्चों को गेम की मेन स्टोरी पता नहीं होगी बट ये जरूर पता होगा KTM बाइक की शॉप में मिलेगी। भाई लोग जब तक आप समझोगे नहीं ना गेमिंग कम्युनिटी के विलन कौन है, जो पैसों के लिए खुद के बच्चों को, गेम को, सभी चीजों को तहस नहस कर रहे हैं। अरे शुक्र मानो मैं ये बता भी रहा हूं, वरना कोई बताएगा भी नहीं ये सब गलत है। एंड ये लोग जो खेलते हैं ना वो रियल GTA है ही नहीं, वो नकली GTA है, बट तब भी लोग मेरे को गलत समझते हैं क्योंकि मैं कुछ वर्ड्स ऐसे बोल देता हूँ जो गलत हो जाते हैं। बट आज ब्रो, आज तो वैट्स वर्ड्स भी यूज नहीं हुए, सीधी सी बात मैंने बोली है शुद्ध हिंदी में। अगर इस पे भी बुरा मान जाओगे तो भाई आप जाके मेकअप करो फिर। एंड ये लोग भाई
GTA को मिल्क नहीं कर पाते क्योंकि इनके औकात से बाहर है GTA 5 को मिल्क करना। ये लोग खुद की कस्टोमाइज सॉफ्टवेयर को मिल्क करते हैं जो GTA है ही नहीं। एंड हाँ भाई, सही कहा था कुछ लोगों ने, गेम खराब नहीं होता, लोग खराब होते हैं। एंड ये रहे वो लोग, ये सभी के सभी लीचर्स हैं भाई, जिनको बच्चों के दिमाग को चूसना आता है। एंड भाई GTA 5 की पूरी रेपुटेशन खा गए। एंड दैट्स हाउ दीज स्कैमर्स, फ्रॉडर्स, चोर चुट्टे लोग किल्ड द गेम। एंड भाई मैं तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइड को दिखाता हूँ किसी गेम के बारे में या बताता हूँ, बट ये लोग तो भाई सीधा मर्डर करते हैं गेम को। तो भाई मैं यही कहूंगा, आंखें खोलो बच्चों, दीज गाइज आर नॉट गेमर्स। क्योंकि भाई गेमर आप लोगों के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो होता है जो एक गेम खेलता है। एंड भाई मैंने जिस GTA को जाना है उसमें तो भाई रोल्स रॉयस, थार्स ऐसी चीजें तो है ही नहीं, ना KTM जैसी छपड़ी चीजें हैं। तो भाई वो कैसे आ गए ओरिजिनल GTA में? तो भाई यू आर प्लेइंग अ कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ नकली GTA। एंड भाई एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर ये लोग गलत नहीं है ना, देन फॉर सेकंड भी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों की नजरों में। वैसे तो भाइयों अगर सच बताओ तो ये लोग तो उस बंदे से भी ज्यादा बड़ा क्राइम कर रहे हैं। सो इन ओवरऑल टॉक, GTA ऑनलाइन तो बर्बाद था ही, बट GTA 5 को स्पेसिफिकली इन यूट्यूबर्स ने किल किया है। क्योंकि भाई जो गेमर है वो गेमार वाले नहीं, जो गेमर है उनके नजरों में कहीं ना कहीं गेम की वैल्यू गिर गई थी, क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने नकली GTA को मिल्क किया, उसकी असर मेन GTA पे पड़ गई। एंड भाई मैं खुद एक टाइम पे हेट करने लगा था, बट मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इन गधों ने तो कभी ओरिजिनल GTA खेला ही नहीं। एंड देन उसकी इज्जत रिकवर हुई, एंड आई होप अदर गेमर्स की भी हो गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो भाइयों ये थी दैट्स हाउ दे किल्ड GTA 5। एंड भाई इसमें GTA RP की भी कुछ योगदान है, बट वो चीजें बहुत ज्यादा टोटली डिफरेंट है, जिसे मैं फ्यूचर में बात करूंगा। भाइयों आज करो शेयर वीडियो को, एंड ये मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बल्कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि इन चोरों की फौज को पता चले दे आर रॉन्ग पीपल, पहले किसी ने ये बताया नहीं होगा तुम्हें, इसलिए लाइक तो बनता है। एंड भाई वीडियो अच्छी लगी है देन कमेंट जरूर करना, एंड आपके क्या थॉट्स हैं अब जाके प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।